अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी किचन सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम अपने किचन में अचार गोश्त बनाया है जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीवर्स, आज हम अपने किचन में अचार गोश्त बनाने लगे हैं, जिसके लिए हमने 2 किलो चिकन लिया है और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 लेमन लिए हैं और 2 छोटे टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्चें लिए हैं। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए रेसिपी वीवर्स, अब हम इसमें प्रेशर में प्याज डालने लगे हैं बस, और इसको फ्राई करेंगे। वीवर्स, अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल डालने लगे हैं। वीवर्स, हमने इसमें ऑयल 1/2 कप शामिल किया, आप घी भी डाल सकते हैं। इसमें ऑयल और घी मिक्स था। वीवर्स, हमारा प्याज लाल हो चुका है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। वीवर्स, 2 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। वीवर्स, इसको तब तक आपने फ्राई करना जब तक कि अदरक लहसुन की स्मेल नहीं ख़त्म हो जाती। वीवर्स, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। दो हरी मिर्चें जो हमने आपको दिखाई थी पहले भी। वीवर्स, अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। वन टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे इसमें हम। वीवर्स, 1/2 टीस्पून हम इसमें 1/2 टीस्पून मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें अचार गोश्त का मसाला भी ऐड करना है, उसमें ऑलरेडी मिर्च होती है। वीवर्स, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। वीवर्स, अब हम इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। वीवर्स, अब हम इसमें अचार गोश्त का मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें ना दही ऐड करेंगे, दही की वजह से ये गोश्त जो है ना हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। वीवर्स, ये 1 पाव दही है 250 ग्राम। वीवर्स, हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये दही में ही गोश्त गल जाएगा अच्छी तरह से और मज़ेदार बनेगा, जायकेदार बनेगा। आप इस तरीके से हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगा। वीवर्स, अब हम इसमें ना 1 बड़ी इलायची और दालचीनी ऐड करेंगे। वीवर्स, 20 मिनट गोश्त को रखने से पहले ना हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे, इससे भी हमारा गोश्त जल्दी गल जाएगा और अच्छा टेस्ट आएगा। वीवर्स, आप देख सकते हैं कि अचार गोश्त बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि अभी अभी बना है और धुआं उठ रहा है, बहुत ही मज़ेदार लजीज बना है। आप इस मम्मी जी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, हमारे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनता है और आपके घर में सबको पसंद आएगा। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।